हैदराबाद ने पंजाब को 4 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचे अभिषेक कार्ड शतक, नटराजन को 2 विकेट। आईपीएल 2024 में आज हुए डबल हेडर के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में 17 अंक के साथ टीम दूसरे नंबर पर आ गई है। हालांकि दूसरे स्थान पर सनराइजर्स की जगह पक्की नहीं हुई है। लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को राजस्थान रॉयल्स हरा देती है तो हैदराबाद तीसरे नंबर पर फिनिश करेगी। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर पहली पारी में 214 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर 19.1 ओवर में टारगेट चेंज कर लिया। हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 28 बॉल में 66 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रभसिमरन सिंह का अर्धशतक, पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 45 बॉल पर 71 रन की पारी खेली। उनके अलावा रायली रूसो ने 49 और अथर्व ताड़े ने 46 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से टी नटराजन ने 2 विकेट झटके। पैट कमिंस और विजय कांत को एक एक विकेट मिला। शशांक सिंह रन आउट हुए। वहीं टारगेट का पीछा कर रही हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। उनके अलावा हेनरिक क्लासन ने भी 25 बॉल पर 42 रन बनाए। इन दोनों के अलावा नीतीश रेड्डी ने 37 और राहुल त्रिपाठी ने 33 रन की पारी खेली। पंजाब की ओर से हर्षल पटेल और अर्षदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए। हरप्रीत बराड और शशांक सिंह को एक एक विकेट मिला। दूसरे नंबर पर आई हैदराबाद। पंजाब को हराकर हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। 3-14 मैचों में 8 जीत और 5 हार से 17 पॉइंट्स हो गए हैं। टीम का एक मैच बेनतीजा भी रहा था। दोनों टीमों का यह आखिरी लीग मैच था। दूसरी और पंजाब हार के बाद 9वें नंबर पर ही है।